मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। किसान आंदोलन और भारत, भारत जिसकी 80% जनसंख्या गांव में रहती है, और भारत एक ऐसा राष्ट्र जो जय जवान और जय किसान के साथ अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करवाता रहा है। उसी देश का किसान यदि धरने पर हो, आंदोलन की राह पकड़ के बैठा हो और सरकार सुनने को तैयार ना हो, तो फिर भला कोई क्या कह सकता है। जिस तरीके से किसान आंदोलन की अवधि बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को भी बढ़ते हुए देखा जा सकता है। माना कि कुछ लोग इस पे राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, बाहर से फंडिंग की बात कहते रहे हैं। संसद का सवाल आता है तो वहां निश्चित रूप से किसी भी कानून को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रक्रिया का हिस्सा व्यक्ति को बनना पड़ता है, उसको इग्नोर करके पास किए गए तीनों बिल जिस तरह से काले कानून के रूप में जाने जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि तीनों बिल जो हैं ये वापस होने चाहिए। जिन चार बॉर्डरों के जरिए पूरे एनसीआर को घेरा है, उसी में से राजस्थान हरियाणा जो बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, उसके ऊपर भी धरना अनवरत रूप से जारी है। और उसी धरने को समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की रेखा कंवर हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, रागिनी जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। गृहिणी जब अपने घर से बाहर निकलती है तो न केवल घर का मुखिया बल्कि उसका अपना समाज भी उससे ये जरूर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ऐसी कौन सी बड़ी बात आ गई है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जिसको लेकर तुम्हें घर की दहलीज को लांघना पड़ रहा है, और आप लोग जब धरने का हिस्सा बनने जा रही हैं तो निसंदेह बात कुछ बड़ी रही होगी। मैं रेखा जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप शाहजहांपुर बॉर्डर पे अभी आई हैं और इस धरना प्रदर्शन का आप हिस्सा रही हैं, कैसा लगा आपको धरना प्रदर्शन के दौरान, और क्या आपने किसानों की उस पीड़ा को समझा, क्या वजह रही कि आपको इस धरने का हिस्सा बनना पड़ा। जो दहलीज हमने क्रॉस करी है, तो आप ये देखो कि जो हमारा जो पेट पालता है किसान, आज वो कितने महीनों से, सितंबर महीने से वो सीमा के ऊपर अड़ा हुआ है। धूप, बारिश, सर्दी, कितना सब कुछ उसने सहा है, तो इसका कोई ना कोई बड़ा कारण रहा ही होगा। और जिसके कारण आज हम अपने घर में बच्चों को छोड़ के और मातृशक्ति, आज जो कांग्रेस के समर्थन में हम लोग शाजापुर अटेंड करके आए हैं, वो किसानों के समर्थन में हम बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो तीन विधेयक इन्होंने लिए हैं, ये देश में निजीकरण को प्रोत्साहन देने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो बीजेपी ने सब कुछ बेच ही दिया, लेकिन जो किसान अब जो हमारा पेट पालता है, अगर ये भी निजीकरण के उसमें चला जाएगा तो फिर देश में बचेगा क्या? जय जवान और जय किसान वाली बात तो रही नहीं, अब तो ये हो गया कि मर किसान और मर जवान वाली बात शुरू कर दी है बीजेपी। वर्तमान संदर्भ में किसान को जिस माहौल से गुजरना पड़ रहा है वो देश के लिए पीड़ा कारक है। बिल्कुल, ये जो विधेयक इन्होंने पारित करा है, ये मतलब मेरे हिसाब से ये एक किसानों के हित में नहीं होके, और ये निजीकरण यानी इनके जो कॉर्पोरेट इनका घराना है उसको बढ़ाने के उनके पक्ष में ये विधेयक है, ये किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में नहीं है। रेखा जी, वैसे तो इतना लंबा आंदोलन चल रहा है तो संभवतः कोई बात बची नहीं है, कई दौरों की सरकार से वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर कि क्या मातृशक्ति ये जानती है कि ये तीन विधेयक हैं, क्या आप बताएंगे तीन विधेयक क्या हैं? हाँ, कि ये एक तो इससे समर्थन मूल्य जो ये है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा किसानों के हित में, और जो किसानों को सब्सिडी पे जो बिजली मिल रही है ये भी बाद में इसमें खत्म हो जाएगी, जैसे कि भाई, और ये निजीकरण को प्रोत्साहन देना है, ये किसानों के हित में नहीं है। माना जा रहा है कि किसान केवल इस बिल की आड़ में बहुत सारी अपनी और सुविधाओं को भी एक तरह से पुख्ता कर लेना चाहते हैं, चाहे वो पराली का मामला हो, चाहे वो बिजली की कटौती का मामला हो, चाहे अन्य मामलों में सब्सिडी का मामला हो। यानी कि एक ऐसा मुद्दा उन्हें मिला है जिस मुद्दे के आधार पर वो केवल और केवल सरकार को झुका कर अपनी तमाम बातें मनवा लेना चाहती हैं। आपको क्या लगता है? मैं ये चाहती हूँ कि किसान हित में हो, जैसे सब्सिडी मूल्य, अब किसान बोता है उसका समर्थन मूल्य, उसका न्यूनतम मूल्य तो उसको मिलना ही चाहिए। आप ये बीच में कॉर्पोरेट जो आ जाएंगे वो अपने मनमानी उनसे वसूलेंगे, उनका जो फसल होगी उसके मनमाने दाम वो लेंगे, और फिर उसको ऊंचे ऊंचे दामों में ये कॉर्पोरेट वाले बेचेंगे, तो ये तो किसानों के हित में नहीं है ना। रेखा कंवर जी जो अजमेर से बिलोंग करती हैं, अजमेर से चल करके ये शाहजहांपुर बॉर्डर पे आई हैं, और आपका ये मानना है कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, और कॉर्पोरेट कराने के जो लोग हैं वो निसंदेह किसानों के ऊपर एक तरह से शासन करेंगे और इन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दूसरी मातृशक्ति के रूप में मिसेज रागिनी चतुर्वेदी।
जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए या विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के जरिए भी समाज में अपनी एक विशेष पहचान रखती हैं। किसानों से आप मिलकर आ रही हैं और जवान आपने पैदा किया है। आप एक कर्नल की पत्नी हैं और एकमात्र बेटा उसे भी आपने देश सेवा को समर्पित कर दिया, यानी वो भी कर्नल है। बेटा सीमा पर है और देश का जो और किसान के रूप में दिल्ली की सरहदों पर जिस तरह से आंदोलन करते हुए आप देख रही हैं, आप स्वयं को रोक नहीं पाई हैं। आप भी प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष पद से सुशोभित हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जवान की पत्नी और एक जवान की माँ होने के साथ साथ किसान की पीड़ा को आप किस तरह से लेती हैं? पहली बात तो मैं इंडोरिया समाचार जगत का, इंडोरिया टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं और एक ऐसे टॉपिक को लेके बैठे हैं कि जो बहुत संजीदा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में आज सिर्फ एक प्रजातंत्र की हसाई नहीं हो रही है, हंस रहे हैं लोग बाहर भी कि ऐसा कैसे हो गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था देश को, लेकिन ना तो आज हमारा जवान सिक्योर्ड है और ना ही हमारा किसान। किसान के रूप में जो हम देख रहे हैं आज, जो मेन मुद्दा हमारा है कि किसान हमारा आज सरहदों पे बैठा है, लड़ रहा है, वो हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता को छोड़िए, आज हम गृहिणी हैं, हम अपनी किचन चला रहे हैं, वहाँ की दालें, वहाँ का चावल, वहाँ का गेहूँ, जिसका आटा हम खा रहे हैं, वो सब किचन हमारी महफूज है क्योंकि हमारा किसान है। आज अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो किसान की 2 बीघा जमीन है और वो जमीन जाके थोड़ा सा उपज कर रहा है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इसको कहीं भी बेच सकते हैं, कानून में ये भी है कि फ्रीडम हो जाएगी। व्हाट फ्रीडम? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीडम। जो पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है, फ्रीडम ये तो नहीं होती कि आज अजमेर से बॉम्बे जाएगा बेचने। वो कॉपरेट क्या करेंगे? वो कॉपरेट अपनी मनमानी लेंगे, अपने कोल्ड स्टोरेज में लेंगे और वही खाना फिर हमको खाना पड़ेगा। आपने कहा है कि फ्रीडम का दुरुपयोग किया जाएगा, कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं वो किसानों की एक तरह से जगसाई करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज जिस स्वामीनाथन आयोग की बात ये बार बार कांग्रेस के जरिए और समर्थित पार्टियों के द्वारा कही जा रही है, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? देखिए मजबूरी रही होंगी, वो उस पे मैं नहीं जा सकती। कोई भी पार्टी होती है उसकी कई मजबूरियां भी होती हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में आती हैं जैसे अब आ रही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है कोई कारणवश रहा होगा उसको भी लागू करने के लिए। लेकिन अब जो कानून अगर अपन हम लोग सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने लागू किया या कांग्रेस ने लागू किया, कई चीजें कांग्रेस ने लागू करी थी और वो बीच में रह गई इसके बीजेपी के आने से, और आप बीजेपी लागू करिए तो नाम तो बीजेपी का कहलाएगा। मैं उस कंफ्यूजन में जाना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती किसी भी कंट्रोवर्सी में। लेकिन अब जो हो रहा है किसान के साथ वो गलत हो रहा है। क्या आसान है किसी भी कानून का 1-2-3 पड़ाव पार करने के बाद कानून बन जाता है, मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है? उसमें संशोधन तो हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत संशोधन हुए। यदि बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा हुआ है, पार्टियां बदलती हैं, संशोधन भी आते हैं, पब्लिक के हित और अहित की बातें भी होती हैं, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में केवल एक बात पर अड़े रहना कि तीनों बिल वापस हों। यदि ऐसा होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे भारत नाम से जाना जाता है, क्या उसमें गलत परंपरा नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई गलत परंपरा नहीं पड़ेगी। सॉरी टू से मैं सामने बोल रही हूँ कि अगर संशोधन होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी सॉरी भी तो बोलता है। संशोधन होता है, बैक नहीं होता। नहीं, बैक भी हो सकता, बैक हो सकता है। बैक इसलिए हो सकता है कि अगर मतलब 3 रीडिंग होती है पॉलिटिकल साइंस में जो हमने पढ़ा है, उसके बाद 3rd रीडिंग पर भी संशोधन हो सकता था, लेकिन कोई भी पार्टी बीच में नहीं आई, किसी भी पार्टी से नहीं पूछा गया। इनफैक्ट अगर इनको किसान के ऊपर करना था, किसान बिल्स जिसको अपन बोल रहे हैं कानून, कानून ऐसे ही नहीं बन जाता। कानून जाता है लोअर हाउस में, लोअर हाउस से अपर हाउस में, फिर 3rd रीडिंग के लिए जाता है, और जब तीनों रीडिंग क्लियर होती है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे पब्लिक मुखातिब है वो ये भी जानना चाहती है, जैसा कि आपने कहा कि 3 पड़ाव पार करके और फिर वो चीजें बनती हैं, और ये भी सब जानते हैं कि कांग्रेस काफी लंबे समय तक शासन में रही है। मैं ये सोचती हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल जो राज किया वो यूं ही कर लिया। आज अगर अपने अपन फादर से पूछते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, तो जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो भी फादर की दी हुई होती है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन क्या हम उसको नकार देंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस
कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, yes. देश को बहुत कुछ दिया, yes. कांग्रेस ना होती तो बीजेपी आज इस मुकाम पर नहीं होती, yes. माना इस चीज को जी. तो जो कार्य आज कांग्रेस दबाव डाल रही है, इस लंबे समय में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस किसानों के हित में इस कार्य को क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है, ये चीजें तो शुरू हो गई थी कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन जब बीजेपी आ गई, मैं खुले आपसे बोल रही हूँ, कोई भी पार्टी आ जाए, बीजेपी नहीं, अगर कोई और पार्टी भी आती, आज के टाइम में तो सारी पार्टी इस खिलाफ है, इस तीनों कानून के, दिस इज अंधा कानून, अंधा कानून, यस। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और फिल्में भी डायरेक्टर वही बनाता है जो समाज में पीड़ा सामने आती है। उसी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनी थी अंधा कानून और उसके हीरो रहे थे अमिताभ बच्चन। आज आपने अंधा कानून कहकर उस फिल्म के टाइटल को हाईलाइट किया है, संभवतः हैशटैग चलेगा उस पे और बहुत लंबा चलेगा और बात भी चलेगी। मैं रेखा जी आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी राजनी जी ने भी इस बात को कहा, आप दोनों महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं, सेम पोस्ट पे आप हैं, बावजूद इसके भी विचार में अंतर हो सकता है, आपने अपना नजरिया रखा, आपने अपना नजरिया रखा, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में मैंने सवाल किया, इन्होंने कहा कोई मजबूरी रही होगी, नंबर वन, ये बिल पास क्यों हो गया? ये बीजेपी ने अपने समर्थन का, जो उनको पूर्ण समर्थन है, उसके अहंकार में उन्होंने पास किया। उन्होंने इसमें विपक्ष को अपने मतलब एक जो विपक्ष किस लिए होता है, विपक्ष भी देश हित की सोचता है और जो पक्ष में होता है सरकार जो होती वो भी देश हित में होती। कोई भी कानून बनता है तो दोनों की राय लेनी चाहिए और उसके बाद में उस कानून को बनाना चाहिए। ये इनका पूर्ण समर्थन था और उसी अहंकार में ये इन्होंने अपना विधेयक बनाया और विपक्ष को इन्होंने अपने सहमति नहीं ली और इन्होंने कानून बना लिया। इसमें विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए थी, उनके भी विचार सुनने चाहिए थे, उसके बाद इस कानून को आगे उनको पास करवाना चाहिए। मैं पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है जब समीक्षा के दौर से गुजरते हैं और चैनल्स अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, उनके सवाल देश हित में पब्लिक के हित में होते हैं, लेकिन यदि पार्टी विशेष का व्यक्ति केवल अपने चश्मे और अपने आईने से देखता है तो वो उसे उसी अंदाज में देखने लगता है। सवाल करो, जैसे इस समय स्टूडियो में मैं पब्लिक के हित की बात करूंगा, आपको अपना बात कहनी होगी, पार्टी अपनी बात कहेगी, तो वहां पर आकर के मीडिया को कभी भी गलत एंगल से नहीं देखना चाहिए। उसके सवाल के पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होता, किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती। कम से कम इंदौरिया टाइम्स तो खुले मन से ये कह सकता है कि वो ना बीजेपी से जुड़ा है ना कांग्रेस से, क्योंकि दोनों में से कोई भी पार्टियां मेरे को कोई फाइनेंस नहीं कर रही है। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का गौरव महसूस करता हूं, इसलिए मैंने ऐसे मुद्दों के लिए अपने स्टूडियो को बनाया है ताकि शख्सियत को लाऊं और उनके जरिए मैं मुखातिब करूं पब्लिक से कि उस बात को मान। आपका मानना यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्टी के बहुमत का फायदा उठाकर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, लेकिन आपको याद होगा कि कांग्रेस बहुत बार बहुमत में रही है, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी रही है और कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि नए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, फिर चाहे वो आरक्षण को लेकर के बात रही हो, फिर चाहे किसी दूसरे मैटर पे बात रही हो, उन सारी बातों को यदि हम ये मान लें कि समर्थन का दुरुपयोग होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी पार्टी को पूरा समर्थन नहीं मिलना चाहिए, आप ये मानती हैं? मैं ये नहीं मानती, लेकिन उसके लिए एक बार संसद में बहस तो होनी चाहिए। नहीं, समर्थन पूरा मिलना चाहिए, नहीं पार्टी बिल्कुल मिलना चाहिए, समर्थन पूरा, विपक्ष के बिना क्या देश तरक्की कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर देश में कानून बन रहा है तो सरकार को विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रही कि राय मतलब उन्होंने अहंकार, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन्होंने जो अकेले करा, अकेले नहीं करना चाहिए, विपक्ष किस लिए होता है, पक्ष और विपक्ष हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, आप उन दोनों पहलुओं पर अपने विचार रखते, विमर्श करते, संसद में बहस होती, उसके बाद वो अगर वो कानून बनता तो आज ये जो स्थिति देश में हुई है ये नहीं होती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार रिपीट हुए हैं और पहला जो उनका कार्यकाल था उसके अंतर्गत तीन तलाक की बात हो, 370 की बात हो, पुलवामा वाला मैटर भी हो और बहुत सारी चीजें ऐसी रही, नोटबंदी भी उसी में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी ने हर चीज का पुरजोर विरोध भी किया लेकिन देश ने उसे एक्सेप्ट किया, समय लगा लेकिन एक्सेप्ट किया। आपको लगता है कि विरोध केवल विपक्ष के ही हिस्से में होता है या कुछ पक्षकार भी विरोध कर सकते हैं? आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी में क्या देश को फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, 99% कोई काला धन वापिस आया। आप इस बात को मानते हो कि नोटबंदी हुई उससे देश को फायदा हुआ? इससे देश में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी जो करा है बीजेपी सरकार ने वो कुछ भी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ ये ठीक है, ये देश हित में था तो इसका कांग्रेस ने कभी इतना विरोध नहीं करा। आप ये देखिए जो पक्ष जो देश हित में होता है वहाँ कांग्रेस ज्यादा विरोध नहीं करता। क्या मैसेज करेंगी आप अभी धरना स्थल से आई हैं, आपको क्या लगता है इसका समाधान क्या है, रास्ता कैसे निकल सकता है?
इसमें ये कि आप कांग्रेस किसानों के हित में सोचिए, जो कांग्रेस का न्यूनतम समर्थन मूल्य है या बिजली का जो सब्सिडी है और किसानों के बारे में जो ये पराली जलाने के लिए भी है, और तो ये सब बातों को पहले दो पक्ष और विपक्ष की भी राय लो और जो किसानों के हित में हो, जो किसानों के ये नहीं हो कि जो गरीब है वो गरीब होता ही चला जाए और जो अमीर है वो अमीर होता ही चला जाए। इसमें दोनों पक्षों की राय लेकर किसानों के हित में सोचना चाहिए। जो बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, नहीं समझते हैं, जो अपनी छोटी मोटी मेहनत करके जो फसल बोते हैं उनका लाभ कोई तीसरा लेके जाए, ये नहीं। भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जाना जाता है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जय जवान और जय किसान। और देश का किसान जो तपती धूप के अंतर्गत, बरसती बारिश के अंतर्गत भी अपने खेत के ऊपर, तन के ऊपर बनियान हुई तो बहुत बड़ी बात है, वरना नंगे बदन को धरती का सीना चीर करके और अन्न पैदा करता रहा है। लेकिन अभी बॉर्डर पे जो किसान है, उस बॉर्डर पे किसान की यदि बात की जाए, जिसका स्पष्ट नजारा हमने 26 जनवरी को देखा कि किसान यदि तलवार लहराता हुआ यदि लाल किले पर पहुंचता है, वहां तिरंगे झंडे के पैरेलल को दूसरा झंडा फहराया जाता है, तो निसंदेह ये केंद्र सरकार की अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवालिया निशान है। तो वहां ये भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा किसान संगठनों को और समर्थक जो भी पार्टियां उसका समर्थन कर रही हैं, कि हमारे इस आंदोलन का फायदा उठाकर यदि पाकिस्तान जैसे नापाक देश अपने हमारे देश के अंतर्गत किसी तरह के आतंकवाद को भी पना देते हैं तो इसका खामियाजा देश को ही उठाना पड़ेगा। बात करना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या समाधान नजर आता है, आपके हस्बैंड भी आर्मी में थे, बेटा भी आर्मी में है, वर्ड वार भी होता है, यहाँ तो केवल शब्दों का वार चल रहा है, अभी केवल ईगो, बेवजह की ईगो को लेकर पूरा देश इस समय परेशान है, राजधानियों की कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है और हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी निकला है, आपको क्या लगता है क्या समाधान हो सकता है इसका? देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आज जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा कि पूर्ण समर्थन है, अगर पूर्ण मेजोरिटी है सरकार के पास तो वो ये कानून बदल भी सकती है एट प्रेजेंट और पीछे भी ले सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गलती अगर करता है, बड़े से बड़े लोग गलती करते हैं और वो चीज़ ठीक भी हो जाती है। मेरा ख्याल से तो ये है कि जितने भी किसान जिनके इनके लीडर्स हैं वो बुलाए जाएं और उनके मुताबिक फिर से सलाह मशवरा की जाए, उसमें विभिन्न पार्टीज जो हैं जो विपक्ष में है उनके भी एक एक या दो दो प्रतिनिधि बुलाए जाए और बात करी जाए। तो क्यों नहीं मोदी जी मानेंगे, मोदी जी को मानना पड़ेगा, मोदी जी यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सम्मान्य हैं, हम उनकी कदर करते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर अहंकार में डूब के हिटलर बन के कोई कानून वो ला रहे हैं तो आई थिंक वो दैट इज नॉट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे 80% लोग किसान, तो हमारा मैसेज ये रहेगा कि प्लीज मोदी जी आपसे इल्तिजा है और बड़ी जोर शोर से इल्तिजा है कि आप पार्टी को मत देखिए, प्लीज अपना इनकार थोड़ा नीचे करिए और इस कानून को बदल डालिए, बदल डालिए, बदल डालिए। आपने देखा स्वीटली कितना आराम से कह दिया है रागनी जी ने कि प्लीज मोदी जी इसको बदल दीजिए, इतना आसान यदि रहा होता तो संभवतः इतने दौर की वार्ता से कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकला होता, जरूर कोई पेच ऐसा इसमें जरूर अड़ा होगा जो कि पार्टियों को एकजुट होने में कहीं ना कहीं बाधक साबित हो रहा है।